साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको मनी मैग्नेट बनने का एक बहुत ही पावरफुल एक मंत्र आपको बता रहा हूं। मैं आपको दो रेमेडीज दे रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक रेमेडी अगर आप कर लेते हैं, जैसे जैसे इस शब्द का आपके उच्चारण करेंगे, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, वैसे वैसे आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, एक मंत्र है क्लीम। क्लीम मंत्र जो है आकर्षण का मंत्र है, किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए। और साथ में अगर किसी भी बीज मंत्र में क्लीम मंत्र को जोड़ दिया जाता है, तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम और इसमें एक मंत्र है क्लीम, तो इन दोनों का जो मतलब कि कॉम्बिनेशन है आपकी जिंदगी में इतने पैसों को आकर्षित करेगा कि आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। लेकिन करना कैसे है, किस दिन करना है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर एक तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आप सबसे पहले गोमती चक्र ले आए, या फिर सात गोमती चक्र, और या फिर आप सात जो पीली कौड़ी आती है ये आप ले आए मार्केट से, पंसारी के हैं इजिली आपको मिल जाएगा, 10-20 रुपए में जो सामान आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। कोई भी एक चीज ला सकते हैं, और दोनों ला सकते हैं तो और भी बेस्ट है। 11 गोमती चक्र ले आए, 11 कौड़ी ले आए, और इनको ला करके गंगा जल से या फिर गौमूत्र से या कच्चे दूध से पहले स्वच्छ कर लें। अगर इस प्रयोग को आप पूर्णिमा को करते हैं, कौड़ी और गोमती चक्र का प्रयोग, तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो किसी भी शुक्रवार के दिन में कर लें, शुक्रवार को करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन पूर्णिमा के दिन में इसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो आपने करना क्या है, एक लाल कपड़ा ले लें, सिल्की रेड कलर का अच्छे चमकदार कपड़ा ले लें, और पूर्णिमा के दिन में या शुक्रवार के दिन में जो भी आपको सुबह से शाम में जब भी आपको टाइम मिलता है, तो अपने पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने, विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने आप बैठ जाएं, एक बाजोट लगा करके, पटरा लगा करके, और घी का दिया जला लें, गुलाब की अगरबत्ती लगा लें। उसके बाद में एक लाल कपड़े में आप 11 आप रख दें गोमती चक्र, और 11 को रख देना है पीली कौड़ी। अब यदि आपके पास में हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध है, तो इन सबका गुलाब जल से पेस्ट बना लें, और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। सबसे पहले विष्णु भगवान का ध्यान करें, फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करें, और एक एक गोमती चक्र में एक एक कौड़ी पे आपको जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है इसका तिलक कर दें। एक एक में तिलक करेंगे तो श्रीम, ठीक है, जैसे आपने एक गोमती चक्र में तिलक किया तो मंत्र पढ़ेंगे श्रीम, पर ऐसे करके सातों आपको कौड़ियों में तिलक करना है और सातों गोमती चक्र में आपको तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद में जब अपने जो पूरा तिलक कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में जो आपने पोटली बनाई हुई है उसको फोल्ड करके सीधे हाथ में रख लें, सीधे हाथ में रख करके, और अब यहां पर आपको मंत्र का जाप करना है। तो अलार्म भी लगा सकते हैं, 5-10 मिनट, आपको माला से नहीं करना है इसको, आपको 5 मिनट या 10 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको मंत्र का जाप करना है। उल्टा हाथ जो हाथ की जो हथेली होगी आपको इस तरीके से माथे में रखना है, और सीधे हाथ में आपको कौड़ी का जो बंडल रखना है, और मंत्र आपको जाप करना है, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मये नमः। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इस मंत्र का आपको 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास में टाइम है उतना आपको जाप कर लेना है। जब जाप आपका पूरा हो जाता है, तो अगरबत्ती जो आपने गुलाब की लगाई हुई है, गुलाब की अगरबत्ती का थोड़ा धुआं दिखा दें, और गुलाब का इत्र अगर है तो गुलाब का इत्र इसमें लगा दें, एक गुलाब का पुष्प चढ़ा करके, और इसको माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब जैसे आपने शुक्रवार के दिन में समर्पित किया, तो शनिवार के दिन में सुबह इसको प्रसाद स्वरूप आपको लेना है, कि आप ये माता रानी का प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रसाद स्वरूप उठा करके और इसको अपने जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर रख दें, या अपने पूजा स्थान में जहां आप रखना चाहें वहां रख सकते हैं, या आपका व्यापार बिजनेस वगैरह है तो वहां भी रख सकते हैं इसको। और बस आपको 11 बार जो मंत्र जो दिया है मैंने, जिस मंत्र से आपने इसको अभिमंत्रित किया है, तो डेली गुलाब की अगरबत्ती घुमाएं इसमें, और डेली 11 बार ये मंत्र पढ़ें। इस अगर इसको घर में रखते हैं तो घर में आप देखेंगे कि सेविंग शुरू हो जाएगी, धन की बरकत, नए नए सोर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये प्रयोग सिर्फ एक मेंबर्स के लिए नहीं, घर के सभी मेंबर्स के लिए सिद्ध साबित होगा। ये तो दोस्तों समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है, अगर आपने ये जिंदगी में अगर इसको कर लिया सही तरीके से, तो धन के लिए, धन के बरकत के लिए, बेरोजगार है तो रोजगार के लिए, हर चीज के लिए काम करता है ये, और बहुत ही मतलब भाग्य को चमकाने का काम करता है। तो ये आप किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन में जरूर करें। अब दूसरा जो बता रहा हूं, ये प्रयोग आप किसी भी शुक्ल पक्ष, यानी कि जैसे अमावस्या जब निकलती है, अमावस्या जैसे आज सपोज आज अमावस्या है,
तो इसके बाद जो पहला शुक्रवार आएगा ये कृष्ण पक्ष कहलाएगा, और पूर्णिमा के बाद जो शुक्रवार आता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, वो शुक्ल पक्ष में करना है। मतलब अमावस्या के बाद वाला जो शुक्रवार आएगा वो शुक्ल पक्ष होगा, पूर्णिमा के बाद जो शुक्रवार आता है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो ये जो प्रयोग किए जाते हैं माता लक्ष्मी के, ये उजाली रात में किए जाते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष में। तो आपको अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा, जो पहला शुक्रवार पड़ेगा, वहां से आपको इसको स्टार्ट करना है। इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत ही अमेजिंग आएगा, आप एक बार इसको आजमा करके देख लीजिएगा। ठीक है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक करा लें। क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक आप उस बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी उपाय किए जाते हैं इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है तो आप करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक आपको समाधान दिया जाएगा, परिवर्तन आपको 7-11-21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा दोस्तों शाबर मंत्रों के द्वारा, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा हमारे पास में विशेष बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र हैं, जो कि अगर आप राहु को बैलेंस करवाना चाहते हैं बर्थ चार्ट में तो आपको 18 डेज की ये पूजा की जाती है। राहु को यदि बैलेंस कर लिया तो जग जीत लिया आपने, है ना। दूसरा कि शनि राहु केतु को बैलेंस करना है बर्थ चार्ट में तो इसकी 28 डेज की पूजा होती है। और यदि जो लोग रेंट पर रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर चाहते हैं तो 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। शाबर मंत्रों की विशेष पूजा है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है तो आप व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनके फीडबैक है मेरे पास में, बहुत ही जबरदस्त उनको रिजल्ट मिला है। तो आप लोग भी यदि इस पूजा को इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप में कंसल्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शुक्रवार जो पड़ेगा, शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार, अमावस्या के बाद कोई भी शुक्रवार जो पहला आता है उस शुक्रवार को आपको करना है। आपको सबसे पहले स्फटिक की माला देखनी है। स्फटिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष चल सकती है, रुद्राक्ष की नहीं है तो कमलगट्टी की माला भी आप ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो माता लक्ष्मी को आपको एक ऐसी तस्वीर लेनी है जो विष्णु भगवान के साथ में हो। दो तस्वीर ले सकते हैं, एक तो विष्णु भगवान के साथ में गरुण में बैठी हूं या फिर कमल के आसन में लाल साड़ी हरा ब्लाउज 2 गज हाथी उनका अभिषेक कर रहे हूं। दोनों में से कोई एक तस्वीर आपको लेनी है और अपने घर के पूजा स्थान में लाल कपड़े में उनको स्थापित करना है। गुलाब का एक पुष्प उनको चढ़ा देना, ये प्रयोग का पहले दिन करना है। गुलाब का पुष्प चढ़ा देना है और दूध से बनी कोई भी मिठाई या खीर, दूध से संबंधित कोई भी प्रसाद उनको चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको 7 कमलगट्टे के दाने माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना है। अब आपको अपना उल्टा हाथ, जो उल्टा हाथ होगा इसको इस तरीके से माथे में रखेंगे और जो भी माला आपने ली है तो जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मय नमः, ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस मंत्र का पहले दिन अगर हो सके तो कम से कम 11 माला जाप कर लें शुक्रवार के दिन में। ठीक है, जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज ड्रिंक एल्कोहल इन चीजों को आप नहीं लेंगे, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ उतार देंगे। महिलाएं वृद्ध पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। नीचे आसन होगा, सिर पे कपड़ा होगा, गुलाब की अगरबत्ती माता को अत्यंत प्रिय है, गुलाब की अगरबत्ती लगा लें, घी का दिया जला दें, गुलाब का पुष्प माता रानी को अर्पित कर दें। और पहले दिन ये प्रयोग आप करना है तो कम से कम 11 माला जाप करें। फिर दूसरे दिन से भले आप चाहे तो 1 माला 2 माला 3 माला जो भी आपके पास में समय है आप कर सकते हैं। 11 डेज आप कंटिन्यू इसको करिए, 11 डेज के बाद से आपको इसका रिजल्ट सटीक नजर आने लगेगा। जैसे जैसे इस मंत्र की आप संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपके मंत्र की संख्या जाप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। मैंने 2 रेमेडीज आपको दी हैं, आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो एक भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों रेमेडीज बहुत ही चमत्कारिक हैं, पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडीज को आप करिए। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों के कमेंट्स देखकर मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो पूजा मैंने आपको बताई है राहु को बैलेंस करने के लिए, शनि राहु केतु को बैलेंस करने के लिए, जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में कंसल्ट कर सकते हैं और पूजा बुकिंग करा सकते हैं, आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। आज के लिए नहीं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।